नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश पाठक शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपने शिवानी एस्ट्रो चैनल पे हमारे यूट्यूब में बहुत से वीडियोस देखे होंगे। मैं फिर भी आपको अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेरा नाम राकेश पाठक है और मैंने बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ। मैंने IIT रुड़की से BTech किया है, उसके बाद मैंने जॉब किया पब्लिक सेक्टर में, और उसके बाद मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सीखने की इच्छा हुई और उसका अंदर से एक इंटरेस्ट जागा, रुचि जागी, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी काफ़ी सीखी और सालों से एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूं। और ये ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जन्म के अंदर भी आदमी सीखता ही रहेगा। तो उसके बाद फिर मैंने जो कुछ सीखा शास्त्रों के अनुसार, जो अपने गुरु से सीखा या जो अपने आप से सीखा, शास्त्रों के अनुसार जो सीखा, मैंने सोचा क्यों ना उसको अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाए। तो यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने कुछ वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करी। वो वीडियोस मेरी पे अवेलेबल है, काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ ये लग रहा था कि वीडियोस बनाने से जो पर्पस है मेन, वो सॉल्व नहीं हो रहा। मेरा मेन पर्पस ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरीके से इस ज्योतिष को, जो ऑथेंटिक ज्योतिष है, जो शास्त्रों के हिसाब से ज्योतिष है, उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। टोने टोटके वाला काम या ऐसा काम, इस चीज़ों से बचा जाए। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट करें, और उसके बेस पे हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट करने का पहल किया और एस्ट्रोलॉजी में एजुकेशन देनी स्टार्ट की। बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग एस्ट्रोलॉजी देते रहे। 3-4 बैच हमारे हो चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हम लोगों ने उनको पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उसका रहा है। आपसे पूरा समर्थन उसका मिला है और आपका प्रयास बहुत अच्छा है। जितना भी यूट्यूब वीडियो पे भी चाहे हमारा हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन पे हो, उन पर सब पे आपका समर्थन बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद थोड़ा महसूस हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई आप थोड़ा सा सर उसके बारे में बताइए, अष्टकवर के बारे में बताइए। अष्टकवर का जिक्र भी बृहत पाराशर वरा शास्त्र में आता है कि ये भी एक विधा है ज्योतिष की। तो हमने अष्टकवर के बैच स्टार्ट किए, अष्टकवर के बैच हम लोगों ने किए, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को हम लोगों ने अष्टकवर के बारे में बताया और वो काफ़ी सफल रहा। उसके लिए भी मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि सब स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सब हम एस्ट्रोलॉजी सीख तो गए हैं, अष्टकवर्त भी सीख गए हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और कोई कुंडली हमारे पास आती है तो कुंडली देखते हुए हम लोग थोड़ा हिचक जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं चीज़ों को, मतलब ये नहीं समझ पाते कि कुंडली कैसे हम लोग देखें, कैसे एनालाइज करें और कैसे किसी को बताएं। मतलब जानते सब कुछ है कि कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि उच्च की है, कौन सी राशि नीच की है, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस जानने के बावजूद भी, उस विद्या के होने के बावजूद भी हम कुंडली को प्रेडिक्ट करने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं, पूरी तरीके से उसकी प्रेडिक्शन ठीक से नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुंडली प्रैक्टिस के नाम से एक क्लास स्टार्ट करी जो एवरी संडे होती है। उस क्लास के अंदर हम जो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे इंडिया से भी हैं, फॉरेन से भी हैं, हर जगह से स्टूडेंट्स हैं। तो उन स्टूडेंट्स को हम लोग कुंडली कैसे देखें वो बताया जाता है। उसमें स्पेशली कुंडलियाँ भेजी जाती हैं और फिर उन कुंडलियों को स्टडी किया जाता है। सब लोग अपने अपने विचार कुंडलियों पर रखते हैं, फिर उनको कंक्लूड किया जाता है। इस तरीके से कुंडली की प्रैक्टिस की जाती है। और ये सब चीजें करने के बाद में थोड़ा सा ये भी हुआ कि मैं अक्सर ये देखा गया था जब कुंडली एनालिसिस हम लोग करते थे तो कुछ ये बात हम लोग मानेंगे, इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं है कि पूजा में, अर्चना में, मंत्रों में, जो यजुर्वेद में दिए हैं, जो ऋग्वेद में दिए हैं, हमारे वेदों में दिए हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति है। जो अनुष्ठान उनमें दिए हैं उनमें बहुत शक्ति है। तो हमें लगा कि क्यों ना ऐसा हम कुछ कदम बढ़ाएं, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि लोगों तक जो सही मंत्र हैं, सही अनुष्ठान है, वो लोगों तक पहुँचे। सो दैट कि जो भी कुंडली के अंदर हम लोग कमी बताते हैं या कुंडली में कोई कमी होती है, नॉर्मली तो हम कोशिश करते हैं कि कुंडली में कोई कमी है तो उसको एक मंत्र के द्वारा ही हम उसको ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं अगर लगता है कि कुंडली में एक अनुष्ठान की आवश्यकता है या किसी यज्ञ की आवश्यकता है या किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई जगह ऐसी हो जहाँ से आपको पूरा ऑथेंटिक चीज़ों को मिले। तो हम लोगों ने कुछ लोगों को बताया भी था तो लोगों की यही शिकायत आई कि सर हम किसको अप्रोच करें, किसके पास जाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है, आशा करते हैं उस प्रयास को भी आप पूरा सफल बनाएंगे। उस प्रयास में हमने अपने साथ डॉक्टर श्रीकांत पांडे हैं, बहुत बड़े ज्योतिष भी हैं प्लस बहुत बड़े कर्मकांड के विद्याता हैं, उनको शामिल किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वो पास आउट हैं,
13 साल वो आश्रम में रहे हैं जहां उन्होंने कर्म कांड का अध्ययन किया है, कर्म कांड करवाए हैं, और कर्म कांड में उनको 10 साल का पूरा नॉलेज है। सब पूजा वो कराते हैं, सब अनुष्ठान वो कराते हैं, सारे यज्ञ वो कराते हैं, शायद ही ऐसी कोई विधा हो जिसको वो ना कराते हो, और बहुत अच्छा कराते हैं, शास्त्रों के अनुसार कराते हैं, कोई उसके अंदर लुका छिपी नहीं होती। बाकी चीज तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हीं के मुंह से सुने, तो आपको अच्छा रहेगा। मैं डॉक्टर श्रीकांत पांडे को ही अपना माइक हैंडओवर करता हूं, या उनको हैंडओवर करता हूं कि वो अपना बताएं और इसके बारे में बताएं कि वो क्या क्या पूजा करते हैं और कैसे कैसे पूजा करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। श्री राधे। आप सभी हरि भक्तों को, जैसे आप सभी को पता है, हमारे यहाँ ज्योतिष कार्यालय सभी प्रकार का समाधान, पत्रिका, अनुष्ठान वैदिक पद्धति के द्वारा कराया जाता है, और वैदिक अनुष्ठान सभी वैदिक विद्वानों के द्वारा ग्रह शांति, बगलामुखी, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, माँ लक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी अर्चन, ग्रह शांति, सभी प्रकार के अनुष्ठान हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, और सभी बनारस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए विद्वान हमारे यहाँ हैं, और सभी प्रकार की पूजा पाठ हमारे द्वारा यहाँ कराई जाती है। जय श्री राधे।